मामा टीवी। छोले भटूरे वाले ने खरीदा नया कार। महानंदी नाम के एक गांव में प्रमोद करके एक रसोई था। उसका हाईवे पर एक ढाबा था। उस ढाबे पे वह तरह तरह के पकवान बनाता था, लेकिन सबसे अच्छा वह छोले भटूरे बनाता था। उसके बनाया हुआ छोले भटूरे का बहुत डिमांड था, इसीलिए उसका दाम हमेशा बढ़ा देता था। अरे प्रमोद भाई, तुम्हारे छोले भटूरे तो लाजवाब हैं, लेकिन तुम दिन ब दिन उसका दाम क्यों बढ़ा रहे हो? ऐसा रहा तो आपके ढाबे पर कैसे आएंगे? अरे कैसे आएंगे? अरे आने के लिए तो बहुत साधन है भाई। बाइक पे आ सकते हो, कार पे आ सकते हो, या पैदल आओ। कुछ नहीं तो नया मेट्रो ट्रेन है ना, उस पे भी आ सकते हो। हर महीना तेल और आटे का दाम भी बढ़ रहा है, मर्जी है तो आओ वरना नहीं, लेकिन यूँ फालतू बातें न करो। एक दिन उसके ढाबे पे एक बहुत बड़ा खतरनाक डाकू सुखविंदर उसके आदमियों के साथ आता है और कुछ खाने के लिए पूछता है। हाँ? सुखविंदर खाने का बहुत शौकीन था। अरे ओ, कौन है भाई यहाँ पर? यहाँ का क्या खासियत है? हमें भी कुछ खिलाओ ना। तभी उसका ही एक आदमी ने बोला, अरे सरदार, यहाँ पर तो छोले भटूरे बहुत फेमस हैं, आपको तो खाना ही होगा। ऐसा बोलकर उसने सबको दो प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर कर लेता है और प्रमोद रोज की तरह सब कुछ बनाकर डाकुओं को देता है। डाकू सुखविंदर वह खाते ही, अरे वाह, लाजवाब है, तुम्हारे हाथ में जादू है प्रमोद भाई, तुम भी हमारे साथ चलो। अब से मेरे डेन में तुम ही रसोई हो, तुमको ही खाना पका कर देना पड़ेगा। अरे नहीं सरदार, मेरा तो यहाँ पर छोटा सा व्यापार है, घर और बीवी बच्चे भी हैं, उनका क्या होगा? आप खा कर निकलो यहाँ से, पैसे की भी कुछ जरूरत नहीं है। प्रमोद को ऐसा बोलते देख सुखविंदर को गुस्सा आ जाता है। खाना खत्म होने के बाद सुखविंदर के लोग प्रमोद की हाथ उसे भी उनके साथ लेके जाते हैं। सुखविंदर के डेन में हर रोज प्रमोद उनके लोगों को छोले भटूरे बनाकर देता था और तरह तरह के पकवान भी बनाकर देता था। अरे ये इंसान नहीं है, कैसे खाते हैं इतना सारा? मुझे कुछ खाने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ते, इसका कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। एक दिन जब प्रमोद खाना पका रहा था, उसको एक जगह बेहोशी की एक दवा मिलता है। वह सोचता है कि उस दवा को खाने में मिलाकर सभी बेहोश होने के बाद वहां से रफू चक्कर होने की प्लान करता है और खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है। सुखविंदर खाना खाते ही, अरे ये क्या, मुझे चक्कर आ रहा है, अरे अरे, ऐसा बोलकर सुखविंदर और उसके सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी प्रमोद वहां से बहुत सारे पैसे लेकर अपना गांव वापस चला जाता है। उसके बाद एक बड़ा सा मकान और बड़ा कार खरीदकर अपने परिवार के साथ आराम से जीने लगता है। सनतपुर नाम के एक गांव में मुंशीराम नाम का एक बड़ा शाहूकार रहता था। उसके पास बहुत सारे ट्रैक्टर थे, जिसको वह सबको किराए पे देके खूब कमाई करता था। एक दिन शिवाजी नाम का एक किसान मुंशीराम के पास आकर ऐसा बोला, सेठ जी, मेरा तरबूज का फसल अभी काटने का वक्त आ गया है, आपका ट्रैक्टर अगर किराए पे मिले तो मैं शहर जाकर बेच दूंगा। क्यों रे शिवाजी, अब तुम भी व्यापार करने लगे? मैं ट्रैक्टर किराए पे देता हूँ, लेकिन तुम्हारे सारा फसल मुझको ही बेचना है। उसकी बात मानकर शिवाजी सारा फसल लाकर मुंशीराम को बेचता है। जब मुंशीराम पैसे दिया, मालिक ये क्या है मालिक, आपने तरबूज का दाम मार्केट रेट पे ही दिया, लेकिन आपके ट्रैक्टर का किराए में पूरा पैसा ले लिया है, अब मैं क्या खाऊंगा और क्या उगाऊंगा, ये तो सरासर अन्याय है। मेरे शिवाजी भाई, तुम क्या जानो व्यापार कैसे करते हैं, अभी निकलो यहाँ से। ऐसा बोलकर मुंशीराम शिवाजी को लात मार के भगा देता है।
जब शिवाजी घर आता है तो सारी बात अपने बेटे विकास को बोलता है। तभी विकास ने ऐसा बोला, पापा आप उदास मत हो, मुंशीराम एक बड़ा कमीना है, उसको सबक सिखाने के लिए हम एक काम करेंगे, हम हमारी घर बेच देंगे, एक ट्रैक्टर और खेत खरीदेंगे ताकि हम हमारे फसल को खुद ही शहर में बेच सकें। विकास और शिवाजी घर बेचकर एक नया ट्रैक्टर और खेत खरीदते हैं। जब अगली बार फसल हुआ, सारे तरबूज को लेकर शहर ले जा रहे थे, तभी मुंशी राम कुछ गुंडों को लेकर वहां पर आ जाता है। क्यों रे शिवाजी, मुझसे ही पंगा ले रहे हो? जाओ रे, जाकर उस ट्रैक्टर को टुकड़े टुकड़े कर दो। ऐसा बोलते ही गुंडे जाकर सारे तरबूज को खराब कर दिया और ट्रैक्टर को तोड़ दिया। दोनों बाप बेटे कुछ नहीं कर सके, ऐसा ही उदास एक जगह बैठे थे। तभी एक छोटा लड़का वहां पर एक छोटा सा तरबूज का ट्रैक्टर खिलौना लेकर खींचते हुए वहां पर आता है। अंकल अंकल आप उदास मत बैठो, ये लीजिए, ये मेरा खिलौना है, मुझे ये खिलौना एक स्वामी जी ने दिया है, ये आपको जरूर काम आएगा। वह छोटा बच्चा ऐसा बोलकर गायब हो जाता है और देखते ही देखते वह छोटा तरबूज ट्रैक्टर का खिलौना एक बड़ा ट्रैक्टर बन जाता है। ये देखकर शिवाजी और विकास दंग रह जाते हैं। तभी विकास उसको चलाते हुए मुंशीराम के यहाँ जाता है। तभी सेठ ने बोला, तुमको अभी तक चर्बी नहीं उतरी क्या? फिर से मेरे सामने आ गए? जाओ रे, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर उस ट्रैक्टर को भी तोड़ दो। ऐसा मुंशीराम ने उनके गुंडों को बोलता है। लेकिन जब उनके आदमी तरबूज ट्रैक्टर के नजदीक आते हैं, उस ट्रैक्टर से बहुत सारे बड़े तरबूज आकर उनको मार देते हैं और मुंशीराम को भी जादुई तरबूज मारते हैं। तुरंत सेठ और उनके आदमी वहां से भाग जाते हैं। तब से विकास और शिवाजी अपने खेत में आराम से खेती करके बहुत सारे पैसे कमाए। एक गांव में संदीप नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में संदीप का एक ही ऑटो था, इसीलिए जिस ऑटो में सिर्फ चार लोगों को बैठना है उसमें 10-15 आदमियों को ठूस ठूस कर बिठा देता है, कुछ लोगों को ऑटो के ऊपर भी बिठा देता है। संदीप ट्रैफिक के नियमों का पालन भी नहीं करता था, पेट्रोल बचाने की चक्कर में रॉन्ग रूट में चला जाता था। संदीप का एक कमी भी थी, वो बहरा था, उसको ठीक से सुनाई नहीं देता था। एक दिन एक आदमी संदीप से ऐसा पूछा, क्यों रे संदीप, इस गांव में तुम्हारा एक ही ऑटो है, इसीलिए ज्यादा पैसे लेते हो ना, और लोगों को ऊपर भी बिठाते हो? हाँ हाँ भैया, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। अरे चिंता मत करो के बच्चे, मैं ज्यादा ऑटो किराए के बारे में पूछ रहा हूँ। ओ भाई साहब, मेरा ऑटो चढ़ना है तो चढ़ो, मुझे ज्ञान मत दो, मेरा ऑटो है मेरी मर्जी। संदीप कोई भी ग्राहक अगर एक बैग भी लाए तो उसका अलग सा लगेज की पैसा वसूल करता था। ऐसा कुछ महीने के बाद ऑटो बहुत पुराना हो जाता है। एक दिन संदीप रोज की तरह ऑटो के अंदर और ऊपर लोगों को बिठाकर जाने लगा। जब वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा, तभी अचानक ऑटो रेलवे ट्रैक के ऊपर आकर पंक्चर हो जाता है और ऑटो ठीक ट्रैक के बीच में रुक जाती है। सभी ग्राहक चिल्लाने लगते हैं, उसमें से एक औरत, संदीप भाई ये क्या हो गया, ट्रेन कभी भी आ सकता है, जल्दी ऑटो को निकालो यहाँ से। क्या नाश्ता मैंने कर लिया है, ये कोई नाश्ता खाने की वक्त है क्या? अरे नालायक बहरे, ये ट्रेन के बारे में पूछ रही है। हाँ हाँ ठीक है आप अंदर बैठो, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ऐसा संदीप ऑटो का टायर में हवा भरने लगता है, लेकिन अचानक एक ट्रेन सीटी मारते हुए वहां से गुजरने लगती है। ट्रेन को देखकर सारे लोग उतरकर भाग जाते हैं, क्योंकि संदीप बहरा था, ट्रेन की सीटी सुनाई नहीं दिया। ट्रेन का ड्राइवर चिल्लाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी ट्रेन ड्राइवर ब्रेक मार देता है और ट्रेन ऑटो के नजदीक आकर रुक जाती है।
तभी ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतरकर संदीप को जोर से एक फटका देता है। क्यों रे बेवकूफ, सुनाई नहीं देता? मेरा ब्रेक मारने में एक सेकंड की भी देरी हो जाती तो तुम अभी तक अल्लाह को प्यारे हो जाते। इतने में रेलवे डिपार्टमेंट का एक आदमी भागता हुआ उधर आता है। ड्राइवर साहब, शुक्र है जो संदीप ने उसकी ऑटो से आपका ट्रेन को रोक दिया है। यहाँ से आधे किलोमीटर के बाद ट्रैक पूरा खराब हो गया है। अगर आप जाते तो ट्रेन गिर जाती। संदीप ने अनजाने में बड़ी खतरे को रोक दी है। तभी सारे लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अगले दिन सरकार ने संदीप को ट्रेन को बचाने के लिए इनाम भी देती है। अनजाने में लालची ऑटो वाले ने ट्रेन को बचा लेता है। जादुई पैसा कंक्रीट मशीन। एक शहर में मिश्रा नाम का एक बड़ा बिल्डर था। उसके पास बहुत सारे लोग काम करते थे, लेकिन मिश्रा जी बहुत ही कंजूस और निर्दय आदमी था। मिश्रा जी को कंक्रीट मशीन सप्लाई करने वाले एक आदमी था, सूरज। वह बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। सूरज के पास मदद के लिए कोई भी आए उसको मदद करता था, किसी का दुख नहीं देख सकता था। एक दिन सूरज एक बिल्डिंग साइट पे काम कर रहा था कि कुछ लोग आकर प्रणाम करके चले गए। ये सब मिश्रा जी देख लेते हैं और उसके असिस्टेंट से ऐसा पूछते हैं, अरे ओ छोटू, ये क्या है रे, सब लोग आकर सूरज को प्रणाम करके चले गए? मैं इस शहर में सबसे अमीर आदमी हूँ और बड़ा बिल्डर हूँ, कोई भी मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। अरे उस्ताद, सूरज एक नेक इंसान है, उसके कमाए हुए पैसों में से आधा हिस्सा दूसरों को ही दे देता है। लेकिन आप तो दाएं हाथ से भी एक रुपया दान नहीं करते, आपको कौन प्रणाम करेगा? चल हट नालायक। एक दिन मिश्रा जी के साइड के यहाँ एक बड़ा स्वामी जी आते हैं। वहाँ पर सूरज भी था। मिश्रा जी स्वामी जी को देखकर ऐसा बोले, देख लो जी, आ गया और एक ढोंगी बाबा, अब ये क्या चमत्कार करेगा। कहाँ से आए रे तू, क्या तुम भी हिमालय से आए हो क्या? तभी सूरज वहां आकर, नमस्कार स्वामी जी, आप पाद यात्रा करके बहुत थक गए होंगे, आइए मेरे यहाँ आकर थोड़ा उपहार स्वीकार कीजिए। ऐसा बोलते ही स्वामी जी सूरज का दिया हुआ खाना खाता है और ऐसा बोलते हैं, सूरज, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुमको कोई भी आपत्ति हो या काम हो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगा। ऐसा बोलकर वहां से चले गए। लेकिन मिश्रा जी सूरज को और स्वामी जी को देखते हुए हंसते रह गए। थोड़े दिन गुजरने के बाद सूरज की बीवी बहुत बीमार पड़ जाती है, लेकिन उसके पास उसे अस्पताल लेके जाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी उसने स्वामी जी को याद करता है, वहां पर प्रकट हो जाते हैं। सूरज, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूँ बेटा, मैंने तुमको एक वरदान दूंगा, इसके बाद तुम जब भी तुम्हारे कंक्रीट मिक्सर को अपने हाथ से घुमाएगा उसमें से पैसा निकलेगा, वह पैसा तुम अपने लिए और इस समाज में रहने वालों को सहायता करने के लिए इस्तेमाल करना। मैं वादा करता हूँ स्वामी जी, मैं उन पैसा जनहित के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। तुरंत सूरज बाहर जाकर उसके घर के सामने जो कंक्रीट मिक्सर था उसे घुमाया। देखते ही देखते उसमें से बहुत सारे पैसे निकलता है। सारे पैसों को देखकर सूरज खुश हो जाता है। उन पैसों से सूरज अपने बीवी का इलाज करवाता है। उसके बाद सूरज स्वामी जी को जो वचन दिया उसे निभाता है।